मैं विश्वानंद और आप लोग देख रहे हैं गाइडमेंट। जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले लेक्चर में बताया था कि केमिस्ट्री के पार्ट्स को मैं कवर करने वाला हूं, तो आज केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर को लेकर आया हूं जिसका नाम था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है? द प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस। एक या उससे ज्यादा सब्सटेंसेस जब कंबाइन होंगे, फॉर्म करेंगे, जब न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म करेंगे तो उसको कहते हैं हम लोग केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में जनरली दो पार्ट होते हैं, एक होता है रिएक्टेंट, एक होता है प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट क्या होता है? सब्सटेंसेस विच कंबाइन होता है रिएक्टेंट। और प्रोडक्ट क्या होता है? को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे एक है, यहाँ पे तीन है, तो अगर इसमें हम लोग तीन से मल्टीप्लाई कर दें तो इससे क्या हो गया? मेरा एफई जो है ये बैलेंस हो गया। इधर भी तीन, इधर भी तीन। नेक्स्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो कि अभी तक बैलेंस है, तो आगे आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ एक रिएक्टेंट में एक है, प्रोडक्ट में चार है, तो क्या करना पड़ेगा? रिएक्टेंट में फोर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। रिएक्टेंट में हम फोर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये ऑक्सीजन तो हमारा बैलेंस हो गया, लेकिन अब रिएक्टेंट में जब हम फोर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हाइड्रोजन में भी मल्टीप्लाई होगा, हाइड्रोजन फिर मेरा अनबैलेंस हो जा रहा है। तो फिर हम हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? इधर भी हम फोर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मेरा फाइनली क्या निकल गया? दूसरा रिएक्टेंट हो गया, अब ये दोनों जब कंबाइन करके एक तीसरा रिएक्शन फॉर्म करता है
तो उसे कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वेल सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट। कुछ एग्जांपल जैसे यहां देख लेते हैं, CaO plus H2O, तो ये दोनों या CaO या H2O ये दोनों कंबाइन करके फॉर्म कर रहा है CaOH2। नेक्स्ट देखते हैं या C plus O2, ये दोनों कंबाइन करके फॉर्म कर रहा है CO2। लेकिन इस रिएक्शन में क्या है, इस रिएक्शन में हम देखते हैं जब CH2 और O2 का रिएक्शन होता है CH2 plus 2O2, ये फॉर्म करता है CO2 plus 2H2O। तो इस दोनों में तो यहाँ पे कहीं H2O और नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे जनरली कह सकते हैं इसमें हीट इज इवॉल्व। इस रिएक्शन में क्या है, हीट इवॉल्व कर रहा है। तो वैसा रिएक्शन जिसमें हीट इवॉल्व करता है, हीट निकलता है, उस रिएक्शन को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इस रिएक्शन को हम जनरली कह सकते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होगा, वैसा रिएक्शन जिसमें हीट निकल रहा है, हीट इवॉल्व हो रहा है। देखो फिर से देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होगा। When single product is formed from two or more reactants, जब दो reactant combine करके एक single product form करेंगे तो वो कहलाएगा combination reaction। चलिए first हमने देखे क्या था, combination reaction। अब second पे आते हैं, second है decomposition reaction। तो भाई decomposition reaction क्या होता है, तो वैसा reaction जिसमें single reactant breaks down to give simpler product। reactant में एक ही रहेगा, प्रोडक्ट में वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट दे सकते हैं। जैसे जैसे मानेंगे ए जब रिएक्ट करके देगा हम लोग को बी प्लस सी। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, व्हेन सिंगल प्रोडक्ट रिएक्ट, व्हेन सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, यहाँ पे देखिए FeSO4 जो फेरस सल्फेट, ये एक सिंगल प्रोडक्ट है हमारा। अब ये ब्रेक डाउन हो रहा है जैसे इस पे हीट दे रहे हैं, तो ये क्या कहां पे ब्रेक डाउन कर रहा है, Fe2O3 plus SO2 plus SO3। भाई नेक्स्ट फिर इसमें हम लोग देखते हैं भाई CaCO3 means limestone, आप सब जानते होंगे CaCO3 में जब हीट दे रहे हैं तो ये क्या कर रहा है CaO plus CO2। तो इस तरह रिएक्शन को हम लोग कर सकते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक पार्ट ये हो गया थर्मल डिकम्पोजिशन। तो थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है, जब भी किसी रिएक्टेंट में हम लोग हीट इवॉल्व करते हैं, हीट देते हैं, तो उसको कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। फिर नेक्स्ट एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं AgCl। AgCl पे जब सनलाइट देंगे, यहाँ पे हीट ने इस दोनों रिएक्शन में हम लोग देखा हम लोग हीट दे रहे हैं, यहाँ पे जब सनलाइट में रखेंगे ये ब्रेक डाउन करेगा 2Ag+Cl2। जब AgCl में सनलाइट दे रहे हैं तो ब्रेक कर रहा है 2Ag+Cl2। तो इसको हम लोग बोलेंगे फोटोलाइसिस रिएक्शन, डीकंपोजिशन। ये दोनों हम लोग देखिए, ये दोनों लिखा थर्मल डीकंपोजिशन। जब हम लोग सनलाइट में रिएक्शन करवाएंगे तो क्या आएगा, फोटोलाइट डीकंपोजिशन। और थर्ड में जब देखेंगे इस जब हम लोग इस रिएक्शन में आते हैं, जब H2O को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट में रिएक्ट करवाते हैं, फर्स्ट में हमने देखा हीट, सेकंड में आपने देखा सनलाइट में जब रिएक्शन हो रहा है, और थर्ड में जब इलेक्ट्रिक करंट में रिएक्शन करवा रहे हैं, ये दे रहा है H2+O2। तो इसको हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन हम लोग क्या देखा, जब एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन करके ज्यादा से दो से ज्यादा प्रोडक्ट दे रहा है तो हम लोग उस रिएक्शन को कहेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में कितने पार्ट्स हम लोग देखे, थर्मल डिकम्पोजिशन। तो थर्मल डिकम्पोजिशन कब होगा, जब हम लोग हीट से हीट में रिएक्शन करवाएंगे। सेकंड हम लोग क्या देखे थे, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन कब होगा, जब वो रिएक्शन सनलाइट के प्रेजेंस में होगा। और थर्ड हम लोग देखे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कब होगा, जब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट में रिएक्शन करवाएंगे। नेक्स्ट हम लोग आते हैं नंबर 3, थर्ड रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है,
When highly reactive element displaces less reactive element in it, जब किसी भी रिएक्शन में कोई हाईली रिएक्टिव एलिमेंट अपने से लेस रिएक्टिव एलिमेंट को वहां से डिस्प्लेस कर देता है, वहां से हटा देता है, तो उस रिएक्शन को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल क्या हो जाएगा, देखिए Fe प्लस USO4 कॉपर सल्फेट को जब आयरन से रिएक्शन करवाएंगे तो आयरन जो है कॉपर सल्फेट कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो यहां पे क्या होगा, ये आयरन इस सल्फेट के साथ रिएक्ट कर जाएगा और कॉपर को यहां पे से डिस्प्लेस कर देगा। तो यहां देखिए क्या हो गया, FeSO4 प्लस Cu ये बना लिया आयरन सल्फेट। क्यों हो गया, क्योंकि ये आयरन जो था ये कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव। उसी तरह यहां पे देखते हैं जिंक के साथ रिएक्शन किए फिर से कॉपर सल्फेट का, जिंक प्लस CuSO4 ये रिएक्शन में दे रहा है ZnSO4 प्लस Cu, मींस फिर से यहां पे वही हो रहा है, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को अगर जिंक से रिएक्शन करवा रहे हैं तो जिंक जो है वो कॉपर को रिप्लेस करके यहाँ पे अपना क्या बना दे रहा है, ZnSO4। फिर से यहाँ पे देखिए Pb मींस लीड पर जब CuCl2 मींस कॉपर क्लोराइड से रिएक्ट करवा रहे हैं तो फिर से वही हो रहा है, लीड जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो लीड वाला पे कॉपर को डिस्प्लेस करके अपना रिएक्शन क्या कर ले रहा है, PbCl2 प्लस Cu। तो एक फिर से समराइज आपको, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, जब कोई हाईली रिएक्टिव मेटल किसी भी रिएक्शन में अपने से लेस रिएक्टिव मेटल को अपने उसके पोजीशन से डिस्प्लेस कर देता है तो उसके कहते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इससे पहले हम लोगों ने देखा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता था, हाईली रिएक्टिव मेटल अपने से लेस रिएक्टिव मेटल्स को डिस्प्लेस कर देता है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, वैसा रिएक्शन सच रिएक्शन इन व्हिच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट के बीच में जब आयंस अपना प्लेस एक्सचेंज कर लेगा तो उसे हम लोग कहेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे देखिए ये हम लोग का एक सोडियम आयन हो गया, ये हो गया बढ़िया। तो जब रिएक्शन में ये दोनों जो है अपना पोजिशन एक्सचेंज कर लेगा उसे कहेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका आयंस जो है वो एक्सचेंज कर रहा है, यहाँ पे Na2SO4 है सोडियम सल्फेट, यहाँ पे है BaCl2 बेरियम क्लोराइड। तो जब रिएक्शन करके ये क्या फॉर्म कर रहा है, BaSO4 बेरियम सल्फेट। तो यहाँ पे क्या हो गया, तब सल्फेट तो यहाँ पे पहले सोडियम के साथ था तो सोडियम और बेरियम के बीच आयंस का एक्सचेंज हो गया, ये बन गया बेरियम सल्फेट और यहाँ पे बन गया 2NaCl सोडियम क्लोराइड। तो हम लोगों ने क्या देखा, आयंस का एक्सचेंज। तो जब भी किसी रिएक्शन में आयंस का एक्सचेंज होगा, आयन अपने आप प्लेस में एक्सचेंज करेंगे तो उसे कहेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन में हम लोग लास्ट पार्ट देखते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, जनरली रिडॉक्स रिएक्शन में हम लोग दो पार्ट देखते हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। कोई भी केमिकल रिएक्शन में अगर ऑक्सीजन एड हो रहा है या फिर हाइड्रोजन वहां से रिमूव हो रहा है तो उसे हम लोग कहेंगे ऑक्सीडेशन। इसका जस्ट अपोजिट होता है रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऐड होगा और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, या फिर ऑक्सीजन उससे रिमूव होगा तो उसको कहेंगे रिडक्शन। तो फिर से देखते हैं ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और रिडक्शन में क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। कुछ एग्जाम्पल जैसे देखते हैं, ये हो गया Cu+O2 बनता है CuO। यहाँ पे हम क्या देखते हैं, Cu में Cu को जब ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं तो ये फॉर्म करता है CuO। तो कॉपर जो है यहाँ पे मेरा आके कॉपर के साथ यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। क्योंकि पहले यहाँ पे कॉपर में ऑक्सीजन नहीं था, कॉपर में यहाँ पे आके जब रिएक्टेंट के बाद हम देख रहे हैं तो उसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मैंने क्या बताया था, ऑक्सीडेशन। यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब फिर नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं क्या है, CuO plus H2 दे रहा है Cu plus H2O। तो सबसे पहले हम लोग CuO को देखते हैं, यहाँ पे CuO है, यहाँ पे Cu है, तो हमको देखने से ही पता चल रहा है कि इसमें पहले ऑक्सीजन था, लेकिन जब बाद में रिएक्ट करने के बाद यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो गया है तो मेरा ये पार्ट कॉपर यहाँ पे हो रहा है रिड्यूस, मींस कॉपर का हो रहा है रिडक्शन। लेकिन वहीं पर हम लोग देखते हैं H2, यहाँ पे H2 में कुछ नहीं है और यहाँ पे H2 में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है
ऑक्सीडेशन। सेम केस यहां पे भी हम लोग देख सकते हैं, ZNO प्लस C दे रहा है ZL प्लस CO, इसमें क्या हो रहा है, यहां पे जिंक के साथ पहले ऑक्सीजन कंबाइन था और बाद में यहां पे रिएक्शन के बाद वहां से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, तो ये क्या फिर हो गया, फिर जिंक मेरा इसके साथ चला गया, यहां पे ऑक्सीडेशन हो गया, इसका सॉरी रिडक्शन हो गया। अब कॉपर कार्बन में पहले यहां पे कुछ नहीं था, फिर कार्बन में रिएक्शन के बाद इसमें ऑक्सीजन का ऐड हो रहा है, ये हो जाएगा तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।